Yine ye. Al. लोग उसे भगवान कहते हैं। झुंड के झुंड दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। पता नहीं क्या माया है। लोग पागल हुए जा रहे हैं। आदमी भगवान कैसे हो सकता है? ये कोई माया है या महिमा है? अगर वो भगवान है तो हमें कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाता? ये माया है या मंत्र, नाटक है या जादू, अभी पता लग जाएगा। अरे जो भी हो, चलो चलो आग लगा देते हैं। बारिश हो रही है। केवल वहीं पर बारिश हो रही है। वहाँ पर इतनी जोर की बारिश हो रही है, लेकिन हम पर एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। क्या ये? देखो तो सही। बाल स्वामी साधारण बच्चे नहीं है, भगवान है वो तो। हाँ भगवान है वो। इसे झोपड़ी नहीं कहना, आज से कुटी कहना। हम इसे धोखा ही समझते थे, लेकिन अब जाके पता चला है कि असलियत क्या है। सिर्फ चलती हुई कुटी पर ही बारिश हो रही है, कैसी विचित्र बात है। इसे कुटी की जगह मंदिर कहना ही ठीक होगा। आश्चर्य की बात है, इस चमत्कार को देखकर कौन बाल स्वामी को बिना भगवान माने रह सकता है। चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं, इंसान तो कर ही सकता है। अरे बाल स्वामी आ गए। नमस्कार बाल स्वामी। बाल स्वामी की जय। 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 बाल स्वामी की। बाल स्वामी तो सचमुच भगवान है। चलो उनके पांव पे गिर के माफी मांग लेते हैं। किस लिए? आप जो करते हैं उसे माया समझकर हमने कुटी में आग लगा दी थी। क्षमा कर दीजिए, आपकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए थी। क्षमा कर दीजिए हमें। आप लोगों ने कोई गलती नहीं की, ऐसा आपके अज्ञान ने आपसे करवाया। अज्ञान आग के जैसा है। मेरी झोपड़ी को जलाने के लिए जिस अग्नि का प्रयोग किया, वही अग्नि घर के दीपों को जलाकर घर को रोशनी देती है और वही भस्म भी कर सकती है। पहले अज्ञान को ज्ञान से जीतिए, परीक्षाएं भूल जाइए। गलती आपकी नहीं है, इस अज्ञान की है। चलिए। आप सचमुच भगवान है स्वामी, आप हमारे देवता हैं। भगवान सत्यम भोला और सीधा है, क्यों घड़ी घड़ी उसकी परीक्षा लेते हो? इन कष्टों को कितने दिनों तक मैं सह सकूंगी?
ये वेदना कब तक सहूंगी बताइए भगवान। वो आपके वरदान से ही जन्मा है, इसीलिए उसे आपका ही नाम दिया। लोग बाग जब बाल स्वामी कहकर उसकी आराधना करते हैं तो अपने बेटे में आपको ही देखती हूँ, लेकिन लेकिन जलने वाले दुष्ट लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। भगवान, सत्यम की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो भगवान? नहीं नहीं, ये परीक्षाएं नहीं चाहिए। इस माता के हृदय को इस तरह चिंताओं में ना डुबो भगवान। मैं नहीं सह सकती, मैं नहीं सह सकती भगवान। गृह स्वामिनी, बेटे बेटे सत्यम, मेरे लाल। तालाब में जाल डालने से मछलियां ही फंसेंगी, जल नहीं फंसेगा। इसी तरह अज्ञानी लोग चाहे जो करें, जिन पर देव अनुग्रह हो उनकी हानि नहीं होती। मत डरो माँ। बेटे बेटे सत्यम, ये बात सुनी, कल गांव में पानी कहीं नहीं बरसा, केवल बालस्वामी की कुटिया पे बरसा। सिर्फ जलती हुई कुटिया पर ही पानी बरसा? बाल स्वामी तो भगवान है ना, इसीलिए आग बुझाने के लिए पानी बरसा। कैसी विचित्र बात है, इस कलयुग में अपने ही गांव में अपनी आंखों के सामने ही भगवान है। वेंगम राजू का बेटा राजू साधारण लड़का नहीं है, बहुत महान बालक है, नहीं तो पूरे गांव में एक बूंद पानी नहीं बरसा, खाली उसकी जलती हुई कुटीर पर ही मूसलाधार बारिश हुई। हाँ, लगता है वरुण देव बाल स्वामी का दर्शन करने आए थे। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे गांव में एक महात्मा है। देवत्व तो सबके भाग में नहीं होता, जन्मों का फल होता है, जैसे कृष्ण ने द्वापर युग में लीलाएं की थी। वैसे ही स्वामी जी की लीलाएं देख पाना हमारा सौभाग्य है। महाभारत काल में घटी थी एक ऐसी घटना, दुष्ट कौरवों ने लाक्षा गृह में पांडवों को जिंदा ही जला देने का प्रयास किया था। क्या हुआ, देव शक्ति की जीत हुई, दुष्ट शक्ति पराजित हुई। आज इस कलयुग में ऐसा कुछ होना आश्चर्य की बात थोड़ी ही है। चलो, देव शक्ति ही जीती, दुष्ट शक्ति फिर हारी। हमारे सत्यम का दुष्ट शक्तियां कुछ भी नुकसान नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है, तुम लोग घबराओ नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हैं पिताजी के फिर आगे ऐसी घटना दोबारा ना होगी? अम्मा, सत्यम क्या है आज तक नहीं जान सके हो, इसलिए शक करते हो। उन दुष्टों को सजा देनी ही होगी, जिससे कि वो फिर ऐसा कुछ करने की हिम्मत न करें। दुष्टों को दंड देने के लिए नहीं जन्मा हूँ मैं, उनकी दुष्टता को दूर करके उन्हें सन्मार्ग दिखाऊंगा। धर्म रक्षक धर्मराज के ही कितने शत्रु थे, अजात शत्रु था नाम उनका, लेकिन कौरवों के रूप में 100 शत्रु थे उनके। कलयुग में नीति से ज्यादा अनीति फैली है, देव भक्ति ही अनीति का नाश करने वाली महाशक्ति है, आध्यात्मिक चिंतन ही देव भक्ति का रास्ता है। सत्यम बेटे, कुछ दिनों तक कहीं भी नहीं जाओ, अपने पसंद के भजन आध्यात्मिक चिंतन यहाँ या सुब्बम्मा जी के घर में चला सकते हो, तुम्हें जो चाहिए माँ इंतजाम कर देगी, ठीक है? जी दादाजी। हाँ, शेषम राजू जी, शेषम राजू जी, सुना है पुट्टापर्ती के बाल स्वामी की कुटिया में कुछ लोगों ने आग लगा दी। क्या? आप घबराइए नहीं, स्वामी जी को कुछ नहीं हुआ, उनमें कोई दिव्य शक्ति है इसलिए बच गए, कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही पता चला हम बताने चले आए। हम चल, नमस्ते। क्या हुआ, क्या होना है, सत्यम सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर आई हूँ ईश्वरम्मा, मेरे मन का कष्ट तुमसे नहीं छिपा। मेरा पोता 5 साल का तो हो गया है, लेकिन ठीक से बोल भी नहीं पाता है। वो बोल सकेगा या नहीं सत्यम से पूछकर बताओ ईश्वरम्मा। ईश्वरम्मा, मेरी बेटी का हाल तो जानती हो, ब्याह हुए 5 साल हो गए लेकिन अब तक गोद नहीं भरी है। मेरे नसीब में नाती या नतनी लिखे या नहीं पूछना था। और तुम कहो, इन लोगों ने तो तकलीफें बता दी, लेकिन मेरा कष्ट तो जानती ही हो कि मेरा बेटा दमे का मरीज है और बीमारी से बहुत ही परेशान हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा ये सत्यम से पूछना है, यही ना? हाँ बहन,
इतने दिनों तक मंदिरों के चक्कर मारती रही, लेकिन अब पता चला कि भगवान तुम्हारे घर ही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ होना है वो चलकर जान लूं। इतने दिनों से पड़ोसी हैं हम लोग, मैं यही सोचकर आई थी कि कोई सहायता मांगूंगी तो आप मना नहीं करेंगी। मैं आप लोगों के कष्ट जान गई। सहायता चाहने वालों को ना कहना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन सत्यम के बारे में आप लोग जानती ही हैं। समय देखकर उसे ये सब बता दूंगी, जैसा वो बोलेगा आपको बता दूंगी, ठीक है ना? अच्छा, हम चलते हैं। बेटा सत्यम, तुम्हारी माँ अगर कुछ पूछेगी तो बताओगे ना? तुम क्या पूछोगी, मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? सारी चीजें जानता हूँ सत्यम। हाँ, मैं हर चीज जानता हूँ। यहाँ रह रहा हूँ इसलिए अगल बगल वाले लोग यहाँ आकर अपने कष्ट तुम्हें बता रहे हैं। तुम उनकी मध्यस्थता कर रही हो ना? क्या करूं बेटा, दुखी लोग आशा लगाकर आए तो उन्हें इनकार किया जा सकता है क्या? उनकी समस्याएं लेकर आई हो और मुझे जवाब देना होगा। तुम तो डाकिये वाला काम कर रही हो ना? छोड़ो, ये सब नहीं जानती हूँ। मेरी ये सहायता करोगे तो बेचारे उन लोगों का मन थोड़ा खुश होगा। सत्यम, इस माँ की सहायता नहीं करोगे बेटे? करूंगा, लेकिन लेकिन क्यों लगा दिया? मुझे पुए बना कर दोगी? मैं जरूर बना कर दूंगी बेटे, केवल पुए ही नहीं, चाहे जितनी चीजें कहोगे बना कर दूंगी। मेरे बेटे। बेचारे, वो लोग बहुत तंग कर रहे हैं ना तुम्हें, उनसे कहो कि वो लोग सामने आकर अपने कष्टों को कहें तो मैं जरूर उन लोगों के कष्टों का समाधान बताऊंगा। ठीक है। अच्छा गृह स्वामिनी, पुए न भूलना। मेरे बेटे, मेरे सत्यम, मैं नहीं भूलूंगी, मैं नहीं भूलूंगी मेरे बेटे, मेरे लाल। Thank you.
स्वरूप जनो, मनुष्य हर किसी का विश्वास करता है लेकिन ईश्वर का विश्वास नहीं कर पाता। ईश्वर खुद में ही है, इसका विश्वास नहीं कर पाता है, वो इसे समझता भी नहीं। युक्ति से या कुयुक्ति से, शक्ति से या संपदा से या विद्या से ईश्वर का अनुग्रह मिलना आसान नहीं होता। प्रकाशदायी चंद्र को उस चंद्र के आलोक में ही देखा जा सकता है। उसी तरह प्रेम स्वरूप उस परमात्मा को प्रेम द्वारा ही देखा जा सकता है। विश्वास के दो नैनों से रहित अंधे हो चुके मनुष्य लोग यदि ना देखें तो क्या भगवान नहीं? वो ना देखें भले, हम तो देखते हैं। अंधे लोग प्रकाश देने वाले सूर्य को कैसे पहचान पाएंगे? आंखें मूंद कर रखने वालों को ये दुनिया भी नहीं दिख पाती। अगर उन्हें नहीं दिखे तो सूर्य नहीं है क्या? दुनिया नहीं है क्या? अगर उसे विश्वास ना हो कि यही माँ है तो बेटा उसे प्रेम नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर के लिए भी विश्वास प्रधान होता है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके अस्तित्व को न मानना मनुष्यों की एक बहुत बड़ी भूल है। गुलाब का फूल तो दिखता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं दिखती हमें। उसी तरह माँ का रूप होता है लेकिन प्रेम का कोई रूप नहीं होता। विश्वास ही ईश्वर है, इसलिए भगवान पे विश्वास रखिए, उसकी अनुभूति से शांति पाइए। सकल शुभ मिले आप लोगों को। स्वामिनी, शेष बेटा आओ, बेटा ले लो। शेषम ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ ले लो। जन्मों के पुण्य से ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा जिसे प्राप्त होती है उसे देवत्व मिलता है, जिसे देवत्व मिलता है उसे लोग ईश्वर मानने लगते हैं। उस साक्षात भगवान की स्तुति करने से जन्म सुकृतार्थ होता है। शेष बेटा सत्यम के बारे में ही बोल रहा हूं, जाओ प्रसाद ले लो। इस प्रकृति में हर चीज को बड़ा होने में काफी समय लगता है, परिपक्वता आने पर ही फल देता है। अभ्यास से पाई गई विद्या ज्ञान देता है। परिपक्व होने का कुछ तो पैमाना होगा ना दादाजी? ये सब आपकी समझ से परे नहीं। हर चीज जानने के बाद भी आपका पोता बच्चा है, उसमें आप भगवान को देखिए, लेकिन सत्यम को साक्षात भगवान मानने वाली बात किसी तरह नहीं मान सकता हूं मैं। शेष बेटा ये क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, कई वर्षों की साधना ज्ञान उपार्जन की चेष्टा से मनुष्य योगी बन जाता है, ऋषि बन जाता है, और यहाँ अच्छा बुरा ना समझने वाला दुनिया की राहों को ठीक से पहचानने से पहले ही आध्यात्मिक राह पर चल दिया है। अजीब सा नहीं लगता है? खुद को भगवान कहता है। शेष बेटा गलत बात, ईश्वर की कृपा पाने के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं होता, यह तो पूर्व जन्मों का फल है। पहले मैं भी तुम्हारी तरह नहीं मानता था, लेकिन अब इतने सारे भक्त लोग सत्यम में भगवान को देख रहे हैं, इसलिए बिना विश्वास के नहीं रह पा रहा हूँ। जैसा कि पिताजी ने कहा, यह हो ना हो पूर्व जन्मों का ही प्रभाव है। जन्म फल कर्म फल चाहे जो हो, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए पिताजी। सत्यम को कुछ लोग भगवान मानते हैं लेकिन कुछ लोग उस पर तंत्र मंत्र का प्रभाव बोलकर मजाक भी उड़ाते हैं। बचपन से ही सत्यम का व्यवहार दूसरे बच्चों से अलग था, ये हम सब जानते हैं। कुछ अलग व्यवहार होने की वजह से ही पैदा हुई मुसीबतों के कारण उसे उरकोंडा भेजा गया। वहां भी सत्यम में कोई बदलाव नहीं आया, फिर आप उसको पुट्टपर्ती वापस ले आए, लेकिन यहाँ भी क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो? रोज भक्त जुटते हैं, भजन करते हैं, उपदेश सुना करते हैं। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ,
लेकिन अभी हाल ही में सत्यम की कुटी में कुछ लोगों ने आग लगा दी। क्यों लगाई? वो तो सत्यम से जलने वाले लोगों की हरकत थी। देखा? यानी आप भले ही सत्यम को भगवान समझते हैं, लेकिन उसके देवत्व पर विश्वास न करने वाले लोगों ने परीक्षा लेने के लिए किया ये। हाँ, पग पग पर ऐसी परीक्षा लेने वाले न जाने कितने लोग होंगे। उनके चलते सत्यम के प्राणों पर कब और क्या आफत आ जाए ये कौन जानता है। शेष बेटा, क्या बोलते हो? मेरे बेटे को लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, तुमने अपनी जान से बढ़कर इसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस पर कोई मुसीबत आ गई तो सह सकोगी क्या? तभी कुछ लोगों ने कुटी में आग लगाई। कल को ऐसी कोई और घटना नहीं होगी, इसका क्या भरोसा? सत्यम के प्राणों को मुसीबत में डालने वाले इस रास्ते की क्या जरूरत? छोड़िए माँ, हमें नहीं चाहिए। शेष बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? सत्यम में दैवी शक्ति है, ये बात दुनिया जान सके इसलिए हुआ ये सब। सत्यम को कोई हानि नहीं हुई ना, और उन दुष्टों को सद्बुद्धि तो आई। दादाजी, अब आगे से कोई खतरा नहीं होगा ये सोचकर निश्चिंत होना ठीक है क्या? कोई कह सकता है कि क्या आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा? कैसे भरोसा करें? उसे समझाइए कि मुश्किलें खड़ी करने वाले रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता चुन ले, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। पिताजी, अम्मा, सत्यम का बड़ा भाई हूँ, इसीलिए सारी बातें कर रहा हूँ। आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं? शेष बेटा, सत्यम ने अपना रास्ता चुन लिया है, उससे वो हटने वाला नहीं। लेकिन भगवान की क्या मंशा है ये बात कोई बता सकता है क्या? भाई होने के नाते चिंता कर रहे हो, लेकिन एक माँ होने के नाते जो कहना था कह चुकी, पिता होने के नाते ये भी कह चुकी, और ये बोलता है इससे हमारा कोई संबंध नहीं, तो फिर हम इस पर कैसे दबाव डाल सकते हैं? आप नहीं कह सकती तो मैं कह देता हूँ। सत्यम, तुमने कहा कि हमसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, क्या भगवान और भक्त के बीच कोई संबंध नहीं होता? नहीं, वो बंधन नहीं। भक्तों को तो भगवान से भक्ति होती है, भगवान की भक्तों पर कृपा होती है, ऐसा ही है। तुम्हारे अंदर दैव्य शक्ति है तो उन दुष्टों ने तुम्हारी कुटी में आग क्यों लगाई, बोलो? आप ही ने उन्हें दुष्ट कहा, और दुष्ट लोगों को दंड दिया जाता है, लेकिन वो दंड उन्हें दंडित करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि इसलिए कि दुनिया जान पाए कि दुष्टों का प्रभाव कैसे खत्म होता है। मैंने दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार नहीं लिया, उन्हें ज्ञान देकर समझाकर सन्मार्ग का मार्ग दिखाता हूँ। बुरे लोगों को सन्मार्ग तक ले जाना ही मेरे इस अवतार का धर्म है। परिपक्वता आने के बाद ही ज्ञान भरे मन से ही सारे काम होते हैं, और इस उम्र में तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। ज्ञान पाने के लिए कोई सीमा नहीं होती उम्र की। देखो, डरते हुए कि तुम्हें कुछ हुआ ना हो, घबरा कर सीधा भागता आया है तुम्हारा भाई। तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, सुखी रहो, ये कामना करने वाला भाई हूँ मैं। अम्मा, पिताजी, दादाजी सब भगवान समझते हैं तुम्हें, लेकिन लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। एक बात बताओ, भगवान तो सभी में होते हैं, लेकिन तुम अलग तरह से ये किस तरह का व्यवहार करते हो? असल में तुम हो कौन? जीवन का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? तुम करना क्या चाहते हो? आज असली रूप जानकर ही रहूंगा मैं। तुम जिन चीजों को शक्ति कहते हो वो मंत्र शक्ति है या दुष्टों को सुधारने वाली दैवी शक्ति? आपने जैसा कहा चीजों के ही नहीं, इस सृष्टि के सृष्टिकर्ता वही ईश्वर है। इसके लिए मंत्र शक्ति आवश्यक नहीं, दुर्मति वाले मनुष्यों को राह दिखाने वाली शक्ति ही देवत्व है, इसके लिए देव शक्ति ही चाहिए। तो क्या तुम भगवान हो? बताओ बताओ, कौन हो तुम? मुक्ति मार्ग का सूत्र हूँ, भारद्वाज गोत्र है, रत्नाकर वंश रत्न वेंका अवधूत ने खुद के वंश में जन्म लेने के लिए गत जन्म में निवेदन किया था मुझसे। रत्नाकर वंश में फिर से अवतार लिया हूँ। गत जन्म में ईश्वर के वरदान से जन्मा था मैं, इस जन्म में ईश्वर अम्मा के गर्भ से शिशु बन जन्म लिया हूँ। निर्मल विचार धारण कर पवित्र शुद्ध भावना से भक्ति विश्वास के साथ दर्शन करने वाले पावन हृदय मंदिरों में निरंतर निवास करता हूँ। कौन हो ये जानना चाहते हैं ना? आप
आपके संशय के निवारण का समय आ गया। कौन हूँ शीघ्र जान जाएंगे। मैं हूँ साईं बाबा। मुझे क्षमा कीजिए, मानव के लिए संभव नहीं है सब। महात्मा लोग भी ऐसी सार गर्भित बातें नहीं कर सकते। वेदोपनिषद का सार जीवन में दर्शन कराने वाले मानव रूप में हमारे सामने तो साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं। आज तक इस सच्चाई को नहीं जान पाया था स्वामी। स्वामी आप भवबंधन में फंसे जीवन से मुक्त हैं। मैंने आपको डांटा, दंड दिया, शिक्षा दी, लेकिन आपने मेरा अंधकार दूर किया, जिस अज्ञान से मैं घिरा था उसे दूर किया। आपने अपना स्वरूप दिखाया, इस दिव्य मंगल रूप के दर्शन प्राप्त कर ये जन्म धन्य हो गया स्वामी, धन्य हो गया। इसी क्षण से आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे देव हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं। मुझे अपने पवित्र चरणों में शरण दे स्वामी, शरण दे स्वामी, शरण दे स्वामी। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष शिरडी साई, रक्ष रक्ष पर्ति साई, रक्ष रक्ष पर्ति साई। शिरडी साई पर्ति साई बच्चों जरूर चलो स्वामी जी के दर्शन करने चलते हैं। जय बोलो श्री भगवान सत्य साई बाबा जी।
साई जीवन सबके लिए संदेश है, सत्य साई जीवन सबके लिए संदेश
प्रकट हुए भगवान हमारे लिए परमार्थ का ज्ञान दे उद्धार करने के लिए उद्धार करने के लिए ये है साई का विद्यालय सर्व कलाओं का ये है आलय ईश्वर माँ के नाम छोटी सी ये पाठशाला विद्यालय से बन गया है विश्वविद्यालय लोगों को सुशिक्षित बना रहा है अनंतपुर कलाशाला जैसे गंगा की धारा वृंदावन कलाशाला जैसे यमुना की धारा प्रशांत निलयम कलाशाला सरस्वती धारा त्रिवेणी अद्भुत संगम त्याग योग का फल है अक्षर से आत्मविद्या की शिक्षा यहाँ मिलती है अक्षर से आत्मविद्या की शिक्षा यहाँ मिलती है ये रहा आरोग्य मंदिर रहा आरोग्य मंदिर व्याधि पीड़ितों को साई का वरदान है ये व्याधि पीड़ितों को साई का वरदान है ये कुल धर्म अमीर गरीब ये मंदिर सबके लिए कुल धर्म अमीर गरीब ये मंदिर सबके लिए होती है चिकित्सा यहाँ बिना कोई मूल्य दिए होती है चिकित्सा यहाँ बिना कोई मूल्य दिए कल का एक नन्हा बीज महावृक्ष बन गया कल का एक नन्हा बीज महावृक्ष बन गया संसार में एक श्रेष्ठ विद्यालय स्थापित हुआ संसार में एक श्रेष्ठ विद्यालय स्थापित हुआ कल कल बहती देखो जलधि तरंगा ये देखो ये है साई गंगा कल 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 बहती देखो जलधि तरंगा बंजर जलहीन रायल सीमा में जन्म लेकर नन्ही सी उम्र में कांवरों को ढोढो कर धनहीन जनता की सेवा की साई ने एक वचन दिया था माता को और निभाया उस वचन को एक वचन दिया था माता को और निभाया उस वचन को भगीरथ के जैसा दृढ़ संकल्प किया 700 गांवों के लिए 300 करोड़ निवेश किया उतरी फिर गंगा सी स्वच्छ धारा प्यासी जनता को जिसने उबारा उतरी फिर गंगा सी स्वच्छ
धारा प्यासी जनता को जिसने उबारा। बंधु वही दाता वही भवसागर से मुक्ति दिलाए वही अंत वही अनंत वही सर्वशक्तिमान इस लोक में वही सत्य धर्म स्थापन है तू हुआ है सत्य साई अवतार ये कलयुग का अवतार ये कलयुग का अवतार ये। सूर्य है एक ही चंद्र है एक ही गुरु संसारी कुल है एक ही धर्म एक ही सत्य साई दरबार में एक ही सूर्य है एक ही चंद्र है एक ही गुरु संसार में कुल है एक ही धर्म एक ही सत्य साई दरबार में होगी योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे योगी हो या योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे जिस भगवान के चरणों को छूकर जग सारा कर जाए यही तो है शिरडी साई वर्ति साई दिव्य कथा।